ठीक है, चैप्टर 5 कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हायरार्की वर्सेस स्ट्रैटिफिकेशन टॉपिक है कि हायरार्की क्या होती है, क्या हर एक चीज़ जो स्ट्रैटिफाइड है क्या वो हायरार्की है या फिर स्ट्रैटिफिकेशन है क्या, वो देखें क्विकली। दीपांकर गुप्ता का इसमें व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यू है, यू हैव टू कोट इट। दीपांकर गुप्ता, ही इज़ एन इंडियन सोशोलॉजिस्ट। वो क्या लिखते हैं, वो कह रहे हैं कि जैसे हम कंपेयर करते हैं, हमारे हमारे पास जनरली हम सिर्फ कंपेयर करते आए हैं कि जैसे स्ट्रेटा कहते हैं, आप कैसे इमेजिन करते हो, स्ट्रेटा इज लेयर्स, एक के बाद एक लेयर लगी हुई है, ये स्ट्रेटा होता है। कहते हैं ये हमारी जो ये अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेटा की आती है कि एक के बाद एक लेयर लगी है, ये जियोलॉजी से निकलती है। कहते हैं लेकिन हम जियोलॉजी स्टडी नहीं कर रहे, वी आर स्टडिंग सोशोलॉजी। तो इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है, तो आप इसको जियोलॉजी को कंपेयर मत करो इससे सोशोलॉजी से। सोसाइटी ज़रूरी नहीं है कि हर बार ऐसे स्ट्रेटा में बंटी हो। अब यहाँ लिखते हैं कि कहते हैं हमारी कॉमन टेक्स्ट बुक एनालॉजी कि हम पैरेलल ड्रॉ करते हैं स्ट्रेटाज जो अर्थ की लेयर में मिलते हैं आपको, उसके साथ हम और कंपेयर करते हैं। कहते हैं ये मिसलीडिंग है, ऐसा मत करो आप। सोसाइटी में ज़रूरी नहीं है कि अगर सोसाइटी बटी हुई है तो वो लेयर्स में ऐसे बटी होगी, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है जी। क्योंकि वो कह रहे हैं जब ऐसा होगा तो हम किसकी बात कर रहे हैं, स्ट्रेटा को हम हायरार्की बना रहे हैं, स्ट्रेटा में हम हायरार्की ऐड कर रहे हैं। हायरार्की का मतलब क्या होता है, ऑर्डर, कि ये बेटर पोजीशन, देन थोड़ी नीचे नीचे नीचे, हायरार्की में ऐसा होता है। तो कह रहे ज़रूरी नहीं है, दीपांकर गुप्ता से हायरार्की से हमें डिफरेंशिएट करना है स्ट्रेटिफिकेशन को, ठीक है जी। अब जहाँ से लिखते हैं कि गुप्ता आर्ग्यूज नॉट ऑल सिस्टम्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन आर हायरार्किकल, ठीक है जी। हो सकता है कि हमारा समाज बटा हो लेकिन वो वर्टिकली ना स्ट्रेटिफाइड हो, हो सकता है वो हॉरिजॉन्टली स्ट्रेटिफाइड हो। जैसे इमेजिन करो, बहुत ही आसान है इमेजिन करना है कि मान लो आपकी, अब इंडिया का एग्जांपल लेते हैं अपना, इंडिया में हमारी स्टेट्स देखो, मान लो पंजाब है, पंजाब में सिख बहुत सारे सिख हैं, लेट्स से अब JNK में काफ़ी इस्लाम है, एंड लेट्स से लद्दाख रीजन में काफ़ी बुद्धिस्ट हैं, ठीक है जी। तो ये इस्लाम, बुद्धिज़्म, हिंदुइज़्म, बहुत सारे हमारे धर्म एग्जिस्ट करते हैं, तो ये मल्टीपल, ये धर्म स्ट्रेटा है, स्ट्रेटा अलग अलग धर्म है। तो क्या हमने इनकी कोई रैंकिंग करी है, रैंकिंग की, अच्छा जी लेट्स से हम इस्लाम को रैंक वन रख रहे हैं, सिख को रैंक वन रख रहे हैं, बुद्धिज़्म को रैंक वन, हिंदुइज़्म को रैंक वन, किसको, कैसे रैंकिंग तो नहीं करी हमने, हमने बस सभी धर्म रख दिए स्ट्रेटा में बंटे हुए धर्म, कि हर धर्म अपने अलग तरह से बिहेव करता है, लेकिन वो हायरार्की नहीं है वहाँ पर। आगे बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइन भी लिखेंगे यहाँ पे हम, वो कह रहे हैं कि हर एक सिस्टम जो स्ट्रेटिफाइड है वो ज़रूरी नहीं है हायरार्की में हो, क्यों, सम सिस्टम्स आर बट मैनी आर नॉट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मेल और फीमेल में समाज को बंटा हुआ देखें तो ये सिस्टम स्ट्रेटिफाइड है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, बट लेकिन यहाँ पे कुछ एक हायरार्की भी है कि मेल को समाज थोड़ा ऊपर रख रहा है फीमेल से, ये वर्टिकल, जब भी स्ट्रेटा वर्टिकल हो जाएगा तो हायरार्की आ जाएगी, जब वर्टिकल नहीं होगा, अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं तो उसमें हायरार्की नहीं होगी, ठीक है जी। आगे यहाँ पे डिफरेंसेस रादर देन हायरार्की, ठीक है जी। हायरार्की में क्या इंपॉर्टेंट वर्ड है, हायरार्की रैंक्ड ऑर्डर है, रैंकिंग की बात हो रही है। तो कहते वो डोमिनेंट होता है कुछ स्ट्रेटिफिकेटरी सिस्टम में, मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूँ कि हायरार्की किसी स्ट्रेटिफिकेटरी सिस्टम में होगा, ज़रूरी नहीं है हर एक सिस्टम स्ट्रेटिफिकेशन का उसमें हायरार्की हो, ठीक है जी। आगे वो लिखते हैं द लेयर्स इन सम केसेस आर नॉट अरेंज वर्टिकली और हायरार्किकली, उस केस में क्या होगा, हॉरिजॉन्टल, मैंने आपको बताया अभी, हॉरिजॉन्टली या सेपरेटली अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं। मान लो बुद्धिस्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं लद्दाख में, इस्लाम, JNK की बात कर रहा हूँ मैं, इस्लाम एग्जिस्ट करता है कारगिल के उधर वाला इलाका जितना भी जो वैली, एंड जो नीचे जम्मू रीजन जो है वो हिंदू है, तो अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं। इसमें तो स्ट्रेटा भी नहीं है, ये अलग ही अलग एग्जिस्ट कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कुछ भी नहीं है, अलग अलग एग्जिस्टेंस है। ओके, लास्ट में तो वो कह रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो बोल रहा हूँ आपको मैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एक लाइन है। वो कह रहे हैं कि इट वुड बी फ्यूटाइल, कहते यूजलेस होगा, रादर कैप्रीशियस, कैप्रीशियस मतलब बहुत ही ईविल होगा, बहुत ही घटिया एक हरकत हो जाएगी जब हम सिंपल चीज़ों को अगर हम हायरार्की में डाल दें। कहते जैसे लैंग्वेज को हायरार्की में डालना, रिलीजन्स को हायरार्की में डालना, नेशनैलिटी को हायरार्की में डालना, कहते ये यूजलेस तो है ही है, ये फ्यूटाइल और रादर कैप्रीशियस भी हो जाएगा। कि जैसे अब आप इमेजिन करो हमारे समाज में एक पर्टिकुलर चीज़ जो अंग्रेज़ हमें दे गए कि जो इंसान इंग्लिश बोलता है उसकी ज़्यादा से है, लेट्स से एज़ कम्पेयर टू हिंदी, ठीक है जी। ओके,
और रिलीजन की बात करें अगर, तो कहीं ना कहीं इंडियन जो अभी सिस्टम चल रहा है उसमें इस्लाम का दर्जा नीचे चल रहा है, काफ़ी नीचे कर दिया गया है। नॉट ओनली इन इंडिया, एवरीवेयर एल्स इज़ वेल इस्लामोफोबिया डेवलप हो रहा है। नेशनैलिटीज़ में देख रहे हैं हम आजकल, जैसे चाइना में हाइपर नेशनलिज्म का चल रहा है आजकल, चाइनीज़ ऊपर एंड देन नीचे जापानीज, साउथ कोरियन, इंडियन, ठीक है, वियतनामीज, सबको नीचे, नेशनैलिटी को भी रैंक करना शुरू कर दिया है हमने। हम भी खुद देखो, अब इमेजिन करो कि सेम इंसान लेट्स से हमें मिलता है जो हमारे जैसा दिखता है, वो पाकिस्तान से है, लेकिन पाकिस्तान से होने के बस उसके लिए वही बहुत है एंड हमारे हमने हायरार्की में उसको नीचे डाल दिया, ठीक है जी, ओके। वो कह रहे हैं कि ये फ्यूटाइल है, दीपांकर गुप्ता से इसकी स्ट्रेटा है वो अलग स्ट्रेटा है, लेकिन वो हायरार्की में ऊपर नीचे मत करो, कहते घटिया काम करोगे आप, ठीक है जी। देन सिमिलरली ही राइट्स, सेकुलर इंडिया अगेन प्रोवाइड्स एन एग्जांपल ऑफ रिलीजियस स्ट्रेटिफिकेशन। कहने को तो हम सेकुलर हैं लेकिन हमने रिलीजियसली खुद को स्ट्रेटिफाई कर दिया, होना क्या चाहिए, रिलीजन्स हायरार्काइज्ड नहीं होने चाहिए थे लेकिन अभी हैं, ठीक है जी। एंड देन अनइक्वली प्रिविलेज इन लॉ, कि सबको बराबर का हक मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिल रहा, ओके। एंड देन बट हैव द फ्रीडम टू एग्जिस्ट सेपरेटली, सेकुलरिज्म की परिभाषा यही है, इन फुल नॉलेज ऑफ द इंट्रेंसिक डिफरेंस, ठीक है जी, कि इंट्रेंसिक डिफरेंस के पता होने के बावजूद वो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं कॉमनली। सिंपल 100 बातों की एक बात, इसको कंक्लूड करते हैं कि रिलीजन हमारे देश में हायरार्काइज नहीं होना चाहिए था क्योंकि सेकुलर कंट्री है हमारा, लेकिन यहाँ पर रिलीजन में हायरार्की आती जा रही है, विच इज़ अ थ्रेट टू इंडियाज सेकुलर फाइबर, ठीक है जी, ओके। अब सेकुलरिज्म की वैसे परिभाषा क्या होती है, कैन एनी बडी एक्सप्लेन, प्लीज़ राइट इट इन कॉमेंट, देन आई टेल यू मोर अबाउट सेकुलरिज्म इन सेपरेट वीडियो। बहुत ही एक ब्रॉड डेफिनेशन, अभी आप सेकुलरिज्म से क्या समझते हैं प्लीज़ मुझे कॉमेंट में बताओ, थोड़ा आइडिया मिले कि आप किस लेवल पर ऑपरेट कर रहे हो। एंड एक और चीज़, फीडबैक देना शुरू करो नीचे कि क्या ये स्पीड स्लो है और शैलाई इंक्रीज द स्पीड, शैलाई डिक्रीज द स्पीड, थोड़ा बात बताने शुरू करो। एंड लेट अस जस्ट टॉक, ठीक है, स्टार्ट, लेट अस स्टार्ट टॉकिंग एंड कीप मेकिंग नोट्स। अगर आप इन सब वीडियोज़ के नोट्स नहीं बना रहे तो इट इज़ एब्सोल्यूटली यूजलेस, ठीक है जी। चलो मिलते हैं जल्दी, थैंक यू।